हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं स्टंबल गाइस, जो कि बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका है फॉल गाइस का, क्योंकि फॉल गाइस सिर्फ पीसी के अंदर चलता है, स्टंबल गाइस पीसी एंड मोबाइल दोनों के अंदर चलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सो गाइस, आज हम लोग खेलेंगे स्टंबल गाइस मोबाइल। तो स्टार्ट का बटन, ओके, इसे मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी कनेक्टिंग हो रही है भाई, कहाँ भाग रहा है ये, मतलब उसकी शैडो देखो कैसी दिख रही है। सो फिलहाल अभी मैच मेकिंग हो रही है, और ऑल राइट गाइस, टोटली मैच मेकिंग हो चुकी है। अभी फिलहाल देखते हैं कि कौन सा मैप हमें देखने को मिलता है। सो फिलहाल ओ भाई, यहाँ पर हमें एक मैप मिल गया है, जो कि है वो वाटर तो नहीं, बट ये है आइस के ऊपर स्लाइडिंग करनी है। ये पूरा मैप बर्फ का है। तो सबसे पहले स्टार्ट हो चुका है, मैं भाग रहा भाई। अरे बहुत ज़्यादा हो गया। अरे यार, ये बहुत तेज इसमें फिसलते हैं, ये चीज़ बहुत बेकार लगती है भाई। भाग 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 भाई, आगे की तरफ भाग। मुझे यार गाइस कैसे भी ना यार ये राउंड क्वालिफाई करना है, इसमें 16 लोग हो जाएंगे और उसके बाद फिर और कम हो जाएंगे। तो फिलहाल मेरे से आगे एक ही बंदा जा रहा है। ओए भाई, कैसे गिर गया। चलो गाइस वापस से कोई नहीं, ट्राई करते हैं। यहाँ पर ये वाली जो डंडी है, इसे कूद लिया, ये वाली भी कूद लिया। तो फिलहाल गाइस अब मैं जाता हूँ स्लाइड करते हुए, बस आप लोग सीन देखते रहना। यहाँ पर से स्लाइड किया, ओ भाई भाई गिरा, नहीं बच गया। ये मैं दोनों साइड से खाली टक्कर खाते हुए जा रहा हूँ, इस साइड से भी टक्कर खाया, उस साइड से भी टक्कर खाया। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और भाई राइट वाले मेरे सामने जो बंदा, उसने बहुत गंदी वाली छलांग लगाई थी, और फिलहाल हम लोग हो चुके क्वालिफाइड। तो फिलहाल भाई मुझे तेरे पर भरोसा है, कौन है तू। चलो ये भी क्वालिफाइड हो चुकी है, और ये कौन है यार, यंग एजी आर्मी, जो भी हो भाई। इसके ये कैसे चल रहा है, मतलब कुछ भी ऐसे कौन चलता है, मतलब ये बाघा की तरह दिख रहा है पूरा। चलो भाई आपकी कहानी खत्म होती है इसके साथ, मतलब इसके ऊपर ही राउंड वाले कर आगे। तो फिलहाल सारे के सारे प्लेयर्स, मैं किधर बैठा हूँ। अच्छा ये रहा, मैं कॉर्नर में मुझे फेंक दिया यार, यहाँ पर मुझे कॉर्नर में फेंका हुआ है यार। कोई बात नहीं, अभी फिलहाल नेक्स्ट राउंड रहता है। इस राउंड में हमने 16 प्लेयर्स थे, अभी इस वाले राउंड में 8 प्लेयर्स रहेंगे, जिनके अंदर देखते हैं गाइस हम क्वालिफाइड होते हैं या नहीं। तो नहीं, हमारी नसीब कैसी है। तो फिलहाल ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है मैच मेकिंग के लिए, तो आई होप कि अच्छा सा मैप लगे जिसके अंदर हम लोग फिलहाल क्वालिफाइड हो जाएँ। ओके सो गाइस, ये वाला मैप लगा, ये वाला मैप बहुत रेयर है, ज़्यादातर ये मैप आता नहीं है। मैंने क्योंकि इस वाले गेम को थोड़ा बहुत खेला है स्टार्टिंग में, तो ये वाला मैप थोड़ा बहुत रेयर आता नहीं है। फिलहाल चलो पहले स्टेज को मैंने क्लियर किया, सेकंड वाले को भी क्लियर करता हूँ। भाई रास्ता तो ये लोग बहुत गंदा वाला ठोक रहे हैं मुझे। हाँ चलो इसे भी क्लियर कर लिया, अभी इसे इस पर कूदते हैं, इस वाले पर, और ये नीचे गया है अभी। ओके सो इस फिलहाल बहुत गंदा दबा दिया उसने, गर्दन मड़वर दिया अपनी। फिलहाल गाइस सबसे आगे तुम्हारा भाई चल रहा है, यहाँ पर मेरे आमने सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले इस वाले पर कूदते हैं, इस वाले पर, और इस वाले, ओ भाई 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 बच गया। तो ओके गाइस, यहाँ पर मैं पहुँच कर, मेरी वैल्यू देखो, मेरे से दूर दूर तक कोई है ही नहीं, सबको हाई करते हैं भाई, दूर दूर तक कोई है ही नहीं। A few moments later, 2000 years later, 1 eternity later. ऑलराइट गाइस, इतना देर बाद यहाँ पर एक बंदा आया है। तो ओके गाइस, यहाँ पर ये बंदे को भी हाय बोलते हैं। फिलहाल अभी 7 बंदे और हैं, मतलब 6 बंदे और हैं, क्योंकि 7वां मैं ही क्वालिफाई कर चुका है। गुड गोइंग सबको बोलते हैं भाई, भाई भाई अंदर चलो, बहुत सारे बंदे आ गए एक साथ, क्या पता चला कि मैं सबसे पहला पहुँच कर ही कुछ नहीं कर पाऊँ। तो फिलहाल भाई मेरे को तेरे पर भरोसा है, ट्रिपल पी 6 बार है, जल्दी 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 जल्दी। ओके मेरे को तेरे पर भरोसा था, तू कर ले। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना, क्योंकि तुझे स्पेक्टेट करने वाला कौन है, बहुत महान इंसान स्पेक्टेट कर रहा था तुझे। फिलहाल उसी कोने में अभी भी हम खड़े हैं, हमारे बाजू वाले लोग गिर चुके हैं। तो फिलहाल गाइस कोई ऐसा राउंड आ जाए ना यार, जिसके अंदर हम अच्छे खासे से मतलब क्वालिफाई हो जाएं, कोई अच्छा सा मैप लग जाना चाहिए। बस गाइस वाला मैप नहीं लगना चाहिए जो स्पेस वाला होता है, उसके अंदर कंट्रोल बहुत, भाई ये क्या है, जिसकी बात नहीं कर रहा था वही आ गया। मतलब ये मैप मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि इसके अंदर यार कूदना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। सो ये देखो, सीधा हम लोग स्पेस में चले जाते हैं, जहाँ पर ग्रेविटी की बहुत ज़्यादा कमी है, और वहाँ पर हम लोग यार कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला, अरे नीचे गिर गया। तो यहाँ पर सबसे पहला ऊपर की तरफ जाता हूँ, और उसके बाद इस वाली साइड। ये गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि इसने पूरा का पूरा फॉल गाइज वाला सीन लिया है, बात तो सही है, जिससे मैप्स भी बहुत सारे उसी की तरह है। तो ओके गाइज, यहाँ पर ये वाला, ए मेरे को धक्का मत मारियो भाई, इसने बहुत गंदे वाला धक्का मारा, पर मैं वापस जाऊँगा, मैं तेरे से बड़ा वाला बेशर हूँ। चलो यहाँ पर आ चुका हूँ। अभी ये क्या है, सैटर्न है क्या, सैटर्न की रिंग पर से हम लोग भागते हुए आ जा रहे भाई। अभी मुझे जाकर पता चला
कि सोलर प्लेनेट के अंदर दो दो सैटर्न है, एक साथ दो दो सैटर्न खड़े हैं। तो चलो गाइस, अभी सैटर्न पे से हम लोग कूद चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, यूएफओ का है, यूएफओ है, छोड़ो। अभी फिलहाल हमें इस वाले किनारे पे जाना। क्यों, क्या हुआ भाई, ये कितना गंदा ग्लिच है। मैंने जंप का बटन दबाया पर वो नीचे चला गया। फिलहाल भाई यूएफओ 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 से जो टूटे कोई सपना जग सुना। ओह शिट, एलिमिनेट, मतलब कौन पहुंच गया इतने जल्दी, कौन है विनर, कौन? ओ भाई चार बार जिसको मैंने बोल रहा था भाई तू पास हो जाएगा, ये तो बंदा बहुत ज्यादा चालाक निकला। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। उस राउंड में ऐसा लग रहा था क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, बट ये तो राउंड ही क्वालिफाई हो गया। भाई वो कहावत बहुत ज्यादा सही है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। भाई अभी सबसे पहले यहाँ पर मैं काम करता हूँ ना गाइस, मुर्गी ले लेता हूँ। मुर्गी लेने के बाद, मुर्गी लेऊंगा ना तो उससे छलांग लंबी लंबी लगेगी। बस मैं खाली ऐसे मजाक कर रहा हूँ, कुछ होने वाला नहीं है, स्कीम्स वगैरह है। भाई मुझे कोई ऑफर ऑफर मत दे यार, कौन देगा। फिलहाल हम लोग जो भी खेलते हैं, जिस भी गेम को खेलते हैं, एकदम ओजी खेलते हैं, उसके अंदर कोई भी चीज़ें खरीदते वरीदते नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो फिलहाल यार मैच मेकिंग कैंसिल हो गई, क्या हुआ, वापस से प्ले करते हैं। कनेक्ट हो रहा है यार, मेरी मुर्गी किस तरीके से भाग रही है इसे देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कोई इंसान भाग रहा है। मुर्गी के भी हाथ आ चुके हैं, बताओ कुछ भी करते गेम वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई अच्छा सा मैप लग जाए भाई, टाइल्स वाला लग जाए ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगी, जिसके अंदर टाइल्स। भाई पिछली बार जिसका नहीं चाह रहा था वो आ गया, और इस बार जो चाह रहा था वही मैप आ गया है। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, इस वाले मैप के अंदर का मैं बहुत बड़ा प्रो हूँ। अभी देखो गाइस, मैं बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, आपको आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर धक्का मुक्की होती है और आपको ढकेल दिया जाता है। इससे अच्छा आप लोग यहाँ पर खड़े रहो, वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो लोग टाइल्स क्लियर कर देंगे, और जैसी सारी टाइल्स ग्रीन हो जाएगी, अब देखो गाइस मैं बिना रुके डायरेक्टली भागते हुए जाऊँगा और सीधा क्लियर कर दूंगा। देखो गाइस मैं एक जगह भी रुकूंगा नहीं, भागते हुए जाऊँगा और सारी टाइल्स क्लियर कर दूंगा। ओ भाई 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 मेरी नसीब देख रहे हो कितनी अच्छी है, वहाँ पर वो ब्लॉक गलत था, टाइल्स गलत थी, उसके बाद भी मैं क्वालिफाई हो गया। तो भाई अभी तुम हो जाना क्वालिफाई, तो हो जाना यार, इसे कहते हैं बैड लक। बंदा जा रहा था जाते जाते आधे रास्ते में रुक गया, क्वालिफाई नहीं हुआ। तो फिलहाल अभी कुछ बंदे जा चुके हैं, मैं कहाँ पर हूँ, कहीं कोने में तो नहीं हूँ फिर से, नहीं 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 आगे की तरफ में था। तो खैर कोई बात नहीं, अभी नया मैप लग रहा है और इस मैप के अंदर भी हम ट्राई करेंगे कि हम इस वाले मैप के अंदर भी क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि ये वाला जो राउंड है ना कैसे भी करके हमें विन करना है। तो यहाँ पर ये वाला हम्बल स्टम्बल आ गया यार, इसके नाम में स्टम्बल है। तो आई होप ये वाला भी हम लोग क्लियर कर पाएँ, बट ये वाला मुझे थोड़ा बहुत हार्ड लगता है। तो काम करेंगे यार, सामने वाले से कूद जाते हैं, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, एक जंप और मारता हूँ। ओके तो गाइस ये वाला, ये जो सीन है बहुत ख़राब है, यहाँ पर ये पीछे की तरफ हमें ढकेलता है और ये दोनों साइड से प्रेस करते हैं। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से हो गया क्लियर। ओ भाई अंदर चला गया मैं, भाई क्या बात है, इतनी मेहनत से क्लियर हुआ था। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से चलते चल 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 चल, कोई पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है यार, पीछे चला गया। चलो इसे अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया, यहाँ लेफ्ट में और राइट में थोड़ी बहुत जगह दी थी निकलने के लिए, तो वहाँ से भी निकल गए। तो चलो ये वाला भी क्लियर हो गया। और सबसे मेन यहाँ का ये है, ये बहुत गंदे गंदे फटके मारता है और सीधा हम लोग उड़ के बहुत दूर चले जाते हैं, नीचे चले आए यार, बहुत गंदे गंदे फटके मारता है। और ओके गाइस ये वाला क्लियर किया मैंने, अभी इसके ऊपर ही कूद जाता भाई 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 भाई, भाई फटके भाई नीचे फेंक दिया। ये जगह क्लियर करना भाई बहुत मुश्किल सा पड़ जाता है। चलो ये वाला क्लियर हुआ, चलो ये वाला भी क्लियर हो गया, अभी चुपचाप भाग जाता है, उससे मार खाने का मन नहीं कर रहा है। भाई भाई हाय हाय लास्ट प्लेयर, ओके बच गया, मतलब लास्ट के तीन प्लेयर थे तीनों आ चुके थे, अगर मैं वहाँ पर गिर भी जाता ना तो भाई क्वालिफाई नहीं हो पाता ये राउंड, और यहीं पर मैं वीडियो को एंड कर देता क्योंकि यार और इससे ज़्यादा बेइज्जती मुझे सहन नहीं करनी थी। तो फिलहाल भाई कोई और अच्छा सा मैप लग जाए जिसके अंदर हम लोग कर लेंगे क्वालिफाई। तो फिलहाल देखते हैं कौन सा मैप लगेगा यहाँ पर, इसके अंदर काफ़ी सारे मैप दिए गए हैं, तो यहाँ पर फिलहाल कौन सा मैप लग रहा है यार, स्पेस वाला नहीं लगना भाई, पहले बोलते रहो स्पेस वाला लगता है तो यार मैं खेल नहीं पाता। भाई जो नहीं चाहता हूँ वही मैप लग जाता है, अभी चाह रहा था स्पेस वाला ना लगे तो स्पेस वाला ही मैप लग गया है। फिलहाल कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग ट्राई तो जरूर से जरूर करेंगे, क्योंकि पिछली वाले टाइम पे मुझे बहुत से आइडिया आ चुके हैं कि यहाँ पर क्वालिफाई कैसे होना है, थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने भी सीख लिया है। तो गाइस इस गेम से रिलेटेड यार थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगा बाद में, अभी नहीं, अगली किसी वीडियो के अंदर हम लोग स्टम्बल गाइस में अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ खेलेंगे, जिनको हम लोग हराएंगे, चैलेंज करेंगे, चैलेंज वगैरह भी हम लोग इस चैनल पर लाने वाले हैं, तो उससे भी मज़ा आएगी। तो गाइस ये बहुत गंदा वाला फटका मारा मुझे एंटीना ने, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग हैं बेशरम, मतलब बहुत
गलत मत समझना, हम लोग उस टाइप के, हम लोग उस पर वापस जाएंगे। वापस से दोनों सैटर्न आ चुके हैं। सैटर्न के भाई बचा, अभी कॉर्नर से गिर जाता है, एक सैटर्न राइट की तरफ घूम रहा है, एक सैटर्न लेफ्ट की तरफ घूम रहा है। फटाफट से फिलहाल तो भाई मेरे आगे कोई नहीं है, मतलब आराम से मैं यहाँ पर क्वालिफाई हो सकता हूँ और जीत भी सकता हूँ। तो फिलहाल यार कोई नहीं है यहाँ पर, मैं आ चुका हूँ यूएफओ के ऊपर। फिलहाल ये यूएफओ तो नहीं है बट मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो यहाँ पर ये वाले जो पत्थर था उसके ऊपर आ चुके हैं एस्ट्रोनॉइड्स होंगे, जो भी हो। फिर यहाँ पर मैं भाग गया, ओ भाई मेरे आसपास में कोई नहीं है, तो इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता, यहाँ पर मैं क्वालिफाई करके ही रहूँगा। यहाँ पर तीन रास्ते जा रहे हैं, कौन सा रास्ता चुनूँ? ओके इसमें मिडल वाले। अब भाई यहाँ पर कहाँ जाना है? ओके तो राइट और लेफ्ट में जो है कैंसिल है, हमें जाना है फ्रंट की साइड में जहाँ पर है फिनिश। तो यहाँ पर मैंने लगाई जंप और ओके गाइस, तो यहाँ पर हो चुका हूँ मैं क्वालिफाइड, और जिसके साथ साथ राउंड भी ओवर हो चुका है, इसका मतलब मैं हो चुका हूँ विनर। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर मैंने गेम को जो है वॉन कर लिया है। फिलहाल हमारा जो मुर्गा है ना काफ़ी ज़्यादा खुश है, हमारा जो मुर्गा है ना भाई वो इतना ज़्यादा खुश हो गया कि देख रहे हो उसकी डांसिंग करना स्टार्ट हो गया। अब देख रहे हो भाई कैसे कैसे डांसिंग स्टेप कर रहा है। तो भाई अब इन 3, 2, 1 हम आपको दिखाएंगे मुर्गा डांस। तो 3, 2, 1 भाई मुर्गा तो थोड़ा ज़्यादा ही फॉर्म में आ गया, रुकने का नाम नहीं लग रहा है। तो फिलहाल आपको आज की वाली वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब